इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्स प्रैक्टिस बुक यूनो नंबर सेवन फिजिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से द वेव नेचर ऑफ लाइट बाय ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं किप्स की प्रैक्टिस बुक में वेव नेचर ऑफ लाइट किसने प्रपोज किया था हाइजन ने सेकेंड क्वेश्चन द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम हैविंग सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स मीनस उन तमाम पॉइंट्स का कलेक्शन जिनकी फेस सेम होता है वाइब्रेशन का उसे हम क्या नाम देते हैं वेव फ्रंट का डेल्टा आंसर होगा थर्ड वन एज अ प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन वेव फ्रंट जब प्रोपोगेट करेगा तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर को पहले समझें कि होता क्या हमारे पास सोर्स से लेकर जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगी वहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू द करंट पोजीशन ओ वे फ्रंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कर्वेचर जो कर्व है अगर हम प्लेन वेव फ्रंट्स को देखें तो प्लेन वेव फ्रंट्स कर्व नहीं होती वो प्लेन सर्फेस होती है इसका मतलब उसके जो कर्वेचर की वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या होएगी वो जीरो होगी ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए एक करवेचर और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है और प्लेन फ्रेंड्स हमारे पास कर्व नहीं होती वो प्लेन सर्विस होती हैं तो उनके कर्वेचर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जीरो और रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर का जो रिलेशन है वो ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर ये रिलेशन है किसी भी जगह अगर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करना है तो आप इस रिलेशन से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो कर्वेचर की वैल्यू क्या है जीरो और हमेशा जीरो रहती है प्लेन वेव फ्रंट्स में इवन इसके आगे जो नेक्स्ट वेव फ्रंट प्रोपोगेट करेगी उसका भी जो कर्वेचर होगा वो क्या होगा वो जीरो होगा इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर रिमेंस इन्फिनिटी तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या होएगी चार्ली फोर्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनिना डज नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट कौन सा फिनोमिना इनमें से ऐसा है जो एक्सप्लेन नहीं करता वेव नेचर को फोटोलैक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट ऑप्शन गिवन है और यही हमारा आंसर है ये पार्टिकल नेचर को शो करता है बाकी डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पोलराइजेशन ये सारे फिनमिनाज वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन टू सोडियम लैम्प आर यूज टू तो प्रोड्यूस सस्टेंड इंटरफेरेंस सस्टेंड मैंने लेक्चर में बताया था कि स्टैटिक फिक्स टिक द करेक्ट स्टेटमेंट आपने करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है कहते दो सोडियम लैम्प्स को यूज़ किया गया सस्टेंड इंटरफेरेंस के लिए तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास इनमें से क्या होगी फर्स्ट दे कैन प्रोड्यूस बीटा दे कैन नॉट प्रोड्यूस चार्ली दे कैन प्रोड्यूस इफ़ द इंटेंसिटी इज़ लो एंड डेल्टा दे कैन प्रोड्यूस इफ़ द इंटेंसिटी इज़ हाई याद रखिएगा दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होते तो दो सोडियम लैम्प कोहेरेंट सोर्स अगर नहीं होंगे तो ये सस्टेंड वे फ्रंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते स्टेन वेव फ्रेंड के लिए कोहेरेंट होना जरूरी है तो आंसर क्या होगा बीटा सिक्स इन यंग डबल डबस्टिड एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विर्थ इज यंग डबल डबस्टेड एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विर्थ एल्फा कहता है प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ बीटा कहता है प्रोपोर्शनल टू विर्थ ऑफ स्लिट चार्ली कहता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और डेल्टा कहता है इनडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ अब यंग डबल एक्सपेरिमेंट में अगर हम फ्रिंज विर्थ का रिलेशन लिखते हैं तो वो रिलेशन हमारे पास क्या है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी तो फ्रिंज वर्थ का हमारे पास वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है तो एल्फा कहता है प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ये करेक्ट है सेकंड कहता है प्रोपोर्शनल टू विफ्थ ऑफ स्लिट इनकोरेक्ट है विर्थ ऑफ स्लिट के साथ इसका रिलेशन इनवर्स है चार्ली कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ वो भी इनकोरेक्ट है और डेल्टा इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ वो भी इनकोक्ट तो करेक्ट आंसर इज ओनली एल्फा प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ सेवेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव वेव फ्रेंड्स दो कंजेक्टिव वेव फ्रेंड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है ऑलवेज लैमडा एल्फा एट्थ एट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इन यंग डबल स्ट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज हाफ डी को डबल कर दिया एल को हाफ कर दिया फ्रिंज विड्थ क्या होएगी दो चीज़ें हैं डिस्टेंस बिटवीन स्लिट स्मॉल डी से शो करते हैं डबल हो गया डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एल से शो करते हैं हाफ हो गया फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या इफेक्ट होगा फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है उसी को हम यूज़ करेंगे इसको मैं प्राइम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ दो फैक्टर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं एल जो डिस्टेंस है स्लेट और स्क्रीन का वो हाफ हो रहा है उसकी जगह एल बाय टू फुट कर देंगे और डी डिस्टेंस बिटवीन स्लेट्स वो डबल हो रहा है उसको टू डी तो टू इंटू टू फोर्थ इसका मतलब जो फ्रिंज वर्थ है फ्रिंज स्पेसिंग है वो वन फोरथ हो जाएगी तो करेक्ट ऑप्शन एट क्वेश्चन का डेल्टा नाइन्थ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विल द फ्रिंज वर्थ बी मिनिमम इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस कलर के लिए जो फ्रिंज विर्थ की वैल्यू है वो मिनिमम होगी ऊपर हमने देखा फार्मूला कि फ्रिंज विर्थ का वेवलेंथ के साथ रिलेशन डायरेक्ट है तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रिंज विर्थ भी कम तो इनमें सबसे जो कम वेवलेंथ है वो किसकी है वॉयलेट की तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एल्फा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन हमारे पास है द रेशो ऑफ फ्रेंज वेट फॉर ब्राइट एंड डार्क इज हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस के अंदर ब्राइट और डार्क रेंजेस की थिकनेस या वेथ सेम होती है तो आंसर क्या होएगा वन रेशो वन क्योंकि दोनों का फार्मूला लेमडा एल ओवर डी होता है क्वेश्चन नंबर अलेवन द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर फोर रेशो वन द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड इज़ एलेवन क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास इंटेंसिटीज की जो रेशो है फोर रेशो वन है तो एम्पलीट्यूड की रेशो क्या होगी हमें इंटेंसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन याद रखना है इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के स्केर से रिलेशन होता है तो अगर मैं एम्पलीट्यूड को फाइंड करना चाहता हूँ तो एम्पलीटूड का इंटेंसिटी के अंडर रूट से रिलेशन होगा तो एम्पलीटूड की रेशो अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी की रेशो के इक्वल होगी अब इंटेंसिटी की रेशो की वैल्यू पुट कर दें फोर रेशो वन तो फो रेशो वन का अंडर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा टू रेशो वन तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है एलेवंथ का एल्फा ट्वेल्थ क्वेश्चन द रेशो ऑफ द वेव लेंथ ऑफ रेड कलर टू दैट ऑफ वॉयलेट कलर इज रेश रेड टू द वॉलेट रेड की वेव लेंथ अप्रॉक्सीमेटली डबल होती है एज कंपेयर टू वॉयलेट तो अगर रेड की वेव लेंथ डबल है एज कंपेयर टू वॉयलेट तो जब आप इसकी रेशियो लोगे वेवलैंथ की तो आंसर क्या आएगा टू रेशो वन और टू रेशो वन का मतलब क्या है ग्रेटर देन वन तो करेक्ट ऑप्शन टवेल्थ का क्या है बीटा थर्टींथ टू पॉइंट ए एंड बी आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सफेरिकल वेव फ्रेंड्स द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज अब थर्टीन क्वेश्चन में वो कहता है कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी और वो लोकेट हुए हैं एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सफेरिकल वेव फ्रेंड्स तो फेज डिफरेंस उनके दरम्यान कितना होगा अगर एक ही वेव फ्रेंड्स के दो पॉइंट्स हैं तो फेज डिफरेंस कितना है जीरो तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ क्या होएगी अल्फ़ा इसको मैं एक्सप्लेन अगर करता हूँ थर्टीथ को तो लेट से मेरे पास ये एक सफेरिकल वेव फ्रंट है ये डायमीटर है ऐसी लाइन जो पास करेगी सेंटर से अब ये इसके डायमीटर के दो ऑपोजिट पॉइंट्स हैं लेकिन है तो उसी वेव फ्रंट का हिस्सा होंगे तो ये सारे पॉइंट फेज़ में चाहे ये दो पॉइंट्स हों या ये पॉइंट्स हों या इनके अलावा कोई पॉइंट हो अगर ये तमाम पॉइंट फेज़ में तो हमारे पास जो फेज़ डिफरेंस होगा बिटवीन ए एंड डी वो कितना होगा ज़ीरो फोर्टीन द फ्रिंज वेर्थ इन यंग डबलस्टेट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग यंग डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज वेर्थ को इंक्रीज करना है किस चीज़ को डिक्रीज करना पड़ेगा तो फोर्टीन क्वेश्चन में फार्मूला हमारा यूज होगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी फ्रिंज वेर्थ को हम करना चाहते हैं इंक्रीज इसके अंदर डी को डिक्रीज करेंगे तो फ्रिंज वर्थ इंक्रीज करेगी और डी क्या है ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है स्लिट सेपरेशन तो फोर्टीन का जो आंसर होगा वो होगा चार्ली इसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी क्योंकि वेवलेंथ के साथ अगर डायरेक्ट लेशन है तो फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स लेकिन वो ऑप्शन नहीं है तो स्लिट सेपरेशन ही राइट right आंसर होगा फिफ्टीन क्वेश्चन इफ़ यंग डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट इज इनवर्स इन वाटर दैन द फ्रिंज विर्थ अगर यंग डबल स्ट्रिट एक्सपेरिमेंट को हम वाटर में परफॉर्म करेंगे तो फ्रिंज विर्थ पर क्या फर्क पड़ेगा हमने लेक्चर में इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि वाटर में जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एयर तो फ्रिंज वेर्थ का जो रिलेशन है वो वेवलेंथ से डायरेक्ट इसका मतलब जो फ्रिंज वेर्थ होगी वो भी वाटर में एज कम्पेयर टू एयर कम हो जाएगी तो आंसर क्या होगा 15 का अल्फा फ्रिंज वेट विल डिक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 है द पा डिफरेंस बिटवीन अब तो यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है मैं चेक कर लेता बुक्स है द पार डिफरेंस बिटवीन पास बुक है उधर भी ये मिस प्रिंट हुआ होगा जो देखने से लग रहा है वो ये लग रहा है द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इनवर्टिंग लाइट वेव्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन इज 11.5 टाइम्स अ वेवलेंथ द पॉइंट इज स्टेटमेंट को जो हमें समझ आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्लोज हमारे क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन है द पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस बताना है दो इंटरफेयरिंग लाइट वेव्स के درمیان एक पॉइंट के ऊपर स्क्रीन पे और जो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो 11.5 टाइम्स है वेवलेंथ अब हम एक पॉइंट जानते हैं कि पाथ डिफरेंस अगर होगा lambda, 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 तो होगा इन टर्म्स ऑफ इंटीगरल मल्टीपल ऑफ लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा तो कंस्ट्रक्टिव होगी और जब भी हाफ इन्वॉल्व हो जाएगा लेमडा बाई टू थ्री लेमडा बाई टू फाइव लेमडा बाई टू सेवन लेमडा बाई टू नाइन लेमडा बाई टू तो उस केस में हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगी वो क्या होगी डिस्ट्रक्टिव अब 11.5 के केस में ये पाथ डिफरेंस की जो कंडीशन है किसकी है डिस्ट्रक्टिव की तो आंसर क्या होगा इसका अल्फा 11.5 11, 11 का मतलब होगा कंप्लीट 11 और हाफ तो 11 लेमडा बाई टू हम कह सकते हैं तो इस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रही होगी सेवनटीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अटन पॉइंट इज प्रोड्यूस टू द फेज डिफरेंस ऑफ अब देखिए पहले क्वेश्चन जो है वो पा डिफरेंस का है अब फेज डिफरेंस रिलेटेड है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाए थ्री पाए फाइव पाए मीन्स पाए के साथ ऑड अगर इंटीजर मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है और वो क्या है चार्ली और पाए के साथ जब इवन मल्टीप्लाई होगा तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी और वो कौन सी ऑप्शन है डेल्टा पाए बाई टू या थ्री पाए बाई टू पर ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है ना डिस्ट्रक्टिव होती है क्योंकि जब हम ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहाँ पर एक पॉइंट बताया था और वो पॉइंट ये था कि हमारे पास कॉस थीटा और थीटा क्या है फेज डिफरेंस उस पर डिपेंडेंस होती है और कॉस हीटा की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो क्या क्या हैं हमारे पास नेगेटिव वन और प्लस वन और प्लस वन इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है जीरो पे टू पाए पे फोर पाए पे इसी तरह जो नेगेटिव वन वैल्यू आती है ये किस पे आती है वन एटी पाए पे थ्री पाए पे फाइव पाए पे तो जब भी हमारे पास वैल्यू आएगी पाए के साथ इवन या जीरो तो ये कंस्ट्रक्टिव को शो करेगा यानी कॉज की वैल्यू प्लस वन आएगी और जब भी कॉज की वैल्यू नेगेटिव वन आएगी ये किसे शो करेगा डिस्ट्रक्टिव को शो करेगा तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है चार्ली एटीनथ द फिनिना ऑफ डाइफ्रेक्शन कैन बी एग्जिप्ट बाय कि हमारे एटीथ में वो कहता है कि जो डायफ्रैक्शन का फिनमिना है वो इनमें से कौन प्रोड्यूस करेगा हम जानते हैं वेव पार्टिकल डिटी इसका मतलब हमारे पास वेव्स और पार्टिकल दोनों ये डायफ्रैक्शन का फिनिना शो कर सकते हैं तो इन्फ्रा रेड माइक्रोवेव एक्स तमाम के लिए ये फिनोमिना होगा आंसर क्या है डेल्टा ऑल ऑफ दिस और ये हम पढ़ते भी हैं इस चैप्टर के अंदर एक्स रे थ्रू क्रिस्टल्स तो मीन्स एक्स के लिए या इलेक्ट्रो मैगनीटिक के लिए डायफ्रैक्शन का पॉसिबल है नाइनटीन क्वेश्चन अ डायफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑबटेंड यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट वॉट हैपन्स इफ़ द रेड लाइट इज रिप्लेस बाई ब्लू लाइट नाइनटीन में कहता है कि डायफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस हुआ रेड लाइट्स है अगर रेड लाइट को रिप्लेस कर दें ब्लू लाइट्स है मीन्स जो वेवलेंथ है उसको हम क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा एल्फा कहता है नो चेंज बीटा कहता है बैंड बिकम नेरोअर एंड क्राउडिड टूगेदर चार्ली कहता है बैंड्स बिकम ब्रॉडर एंड फर्दर अपार्ट और डेल्टा कहता है बैंड्स डिसअपीयर देखिए हम जानते हैं कि जो फ्रिंज विर्थ है उसका रिलेशन लेमडा एलोवे डी और फ्रिंज विर्थ का वेवलेंथ के साथ रिलेशन डायरेक्ट है तो जब आप रेड की जगह ब्लू को रिप्लेस करोगे इसका मतलब रेड की वेवलेंथ ब्लू से ज़्यादा है तो आप वेवलेंथ को कम कर रहे हो तो वेवलेंथ के कम होने से फ्रिंज विर्थ कम हो जाएगी फ्रिंज नैरो हो जाएंगी क्राउडेड हो जाएंगी तो आंसर क्या होगा बीटा। और ये डायफ्रैशन और इंटरफेरेंस याद रखिएगा दोनों केसेस में हमारे पास सेम रिजल्ट होता है फ्रिंज व्यर्थ का ट्वेंटी नंबर ऑफ लाइन्स प्रोड्यूस फोर स्पेक्ट्रम विद वाइट लाइट इफ द नंबर ऑफ लाइन्स ऑन ग्रेटिंग इज हाफ द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस आर ट्वेंटी क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास जब एन टोटल नंबर ऑफ लाइन्स थी तो प्रोड्यूस हुए फोर स्पेक्ट्रम अगर नंबर ऑफ़ लाइंस को हम क्या कर दें ग्रेटिंग पे हाफ कर दें तो फिर आपके पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम कितने प्रोड्यूस होंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम्स का रिलेशन पता होना चाहिए फार्मूला है एन लेमडा और मैं एन की फॉर्म में लिखूँ मीन्स नंबर ऑफ लाइन तो साइन थीटा ओवर एन तो रिलेशन आपके सामने इनवर्स अब स्टेटमेंट के मुताबिक हम जो नंबर ऑफ लाइंस हैं उन्हें क्या कर रहे हैं हाफ़ तो नंबर ऑफ लाइंस को अगर हाफ करेंगे तो इन्वर्स रिलेशन के मुताबिक एन की जो वैल्यू है वो क्या होएगी डबल हो जाएगी तो पहले एन की वैल्यू अगर फोर थी तो अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लेमडा इज इंस्टेंट ऑन अ क्रिस्टल हैविंग इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इक्वल टू द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन टेक प्लेस एट एन एंगल ऑफ हमने लेक्चर में डिस्कस किया था ये टॉपिक एक्सरे डायफ्रेक्शन थ्रू क्रिस्टल उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है एक्सरे बीम है उसकी वेवलेंथ है लेमडा क्रिस्टल पे फॉल की इंटराटोमिक स्पेसिंग डी वो भी लेमडा फर्स्ट ऑर्डर एन की वैल्यू वन किस एंगल पे प्रोड्यूस होगा अब यहाँ पर गलती नहीं करनी फार्मूला अप्लाई करने में यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वह एक्सरे डायफ्रेक्शन का होगा और वो होता है एन लेमडा टू डी साइन थीटा पा डिफ्रेंस इसमें डबल होता है अब हमें वैल्यू जो गिवन है एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर वन लेमडा डी वो भी लेमडा और एंगल हमें फाइंड करना है मडा कैंसल हो जाएगा टू डिवाइड होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू वन ओवर टू साइन इनवर्स हो जाएगा तो थीटा साइन इनवर्स वन बाई टू साइन इनवर्स वन बाय टू आपको पता है किस एंगल पे होता है थर्टी डिग्री तो करेक्ट ऑप्शन ट्वेंटी वन का एल्फा ट्वेंटी टू क्वेश्चन आर डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग हैज फाइव हंड्रेड लाइन्स पर मिलीमीटर ग्रेटिंग एलिमेंट विल बी ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है नंबर ऑफ लाइंस 500 पर मिलीमीटर mm. क्या चीज़ फाइंड करनी है ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू चारों ऑप्शंस मिलीमीटर में इसका मतलब हमें यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है जो यूनिट गिवन है उसी को हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 22 में ग्रेटिंग एलिमेंट डी वन ओवर एन एन की वैल्यू फाइव हंड्रेड मीन्स फाइव टेन टू पार टू वन ओवर फाइव पॉइंट टू और टेन पावर टू ऊपर जाके टेन पावर माइनस टू पॉइंट मूव होगा तो टू टेन रेज टू पार माइनस थ्री मिलीमीटर आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट एंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग एन इज इक्वल टू अब क्वेश्चन में कहता है कि ग्रेटिंग एलिमेंट डी इसका प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ लाइन्स के साथ क्या होगा अब हमें रिलेशन पता है ग्रेटिंग एलिमेंट का टोटल लेंथ ओवर टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर उसने स्टेटमेंट में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कहा तो ये फार्मूला यूज होगा इसको मल्टीप्लाई कर दें तो डी और एन का प्रोडक्ट टोटल लेंथ यानी लेंथ ऑफ ग्रेटिंग के इक्वल आएगा तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ट्वेंटी थ्री की क्या है चार्ली ट्वेंटी फोर क्वेश्चन द टिप ऑफ अ नीडल डज नॉट गिव अ शार्प इमेज इट इज ड्यू टू फिनमिना ऑफ डिफ्रैक्शन क्योंकि लाइट स्प्रेड कर जाती है बेंड हो जाती है तो हमें शार्प जो एजेस होंगे वो शार्प अपियर नहीं होते जैसे जो शेडोज होते हैं उनके एजेस परफेक्टली डार्क नहीं होते तो रीज़न क्या है लाइट का बेंड करके स्प्रेड कर जाना तो टिप ऑफ नीडल डज नॉट गिव शार्प इमेज टू डू द फिनिना ऑफ डाइफ्रैक्शन ट्वेंटी फाइव डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस बाई वाइट लाइट थ्रू सिंगल स्लिट कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में उसने कहा कि डायफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस बाय वाइट लाइट थ्रू अ सिंगल स्लेट कंसिस्ट ऑफ क्या आंसर होगा इसका कलर फ्रेंजस प्रोड्यूस होंगी और विथ सबकी सेम नहीं होगी इंटरफेरेंस में हम कहते हैं कि जो विथ होती है वह सेम होती है लेकिन याद रखिएगा जब वाइट लाइट है तो वाइट लाइट मल्टीपल कलर्स हैं अगर हर एक की वेवलेंथ डिफरेंट है तो डेल्टा वाई लेमडा एलोवर डी के अकॉर्डिंग हर एक की जो विड्थ होगी वो भी क्या होगी वो डिफरेंट होगी आंसर क्या होगा डेल्टा और सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर वाइट ही होगा उसके अलावा बाकी सब कलर्ड होंगे डिफरेंट के क्योंकि वेवलेंथ उनकी डिफरेंट है 26 सिक्स वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फॉलिंग एट अ ग्लासिंग एंगल ग्लासिंग एंगल डायफ्रेक्शन एंगल ही होता है थर्टी डिग्री ऑन क्रिस्टल विद एटॉमिक स्पेसिंग टू टेन डिज टू पार माइनस टेन मीटर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रेक्शन इज वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है एक्सरे की ग्लासिंग एंगल डाइफ्रेक्शन एंगल थर्टी गिवन है इसको ब्रैग्स एंगल भी कहते हैं इंटरटोमिक स्पेसिंग डी टू टेनिस माइनस टेन मीटर है और ऑर्डर जो है वो फर्स्ट है ट्वेंटी सिक्स प्वर्सेंट में फार्मूला दोबारा ब्लैक ब्रैग्स लॉ एन लेमडा टू डी साइन थीटा इसको ब्रैग्स लॉ कहा जाता है ब्रैग्स फार्मूला भी कहा जाता है रिक्वायर्ड वेवलेंथ है तो लेमडा इक्वल होगा टू डी साइन थीटा डिवाइड बाई एन वैलिस को पुट करें डी है टू टेन रेज टू पार माइनस टेन एंगल है थर्टी और ऑर्डर है फर्स्ट साइन थर्टी वन बाई टू होता है ये कैंसिल हो जाएगा तो टू टेन रेज टू पार माइनस टेन मीटर आंसर होगा एंड दैट इज बीटा ऑप्शन ट्वेंटी सेवन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हुथ इज फाइव टेन रेज टू पार माइनस सेवन मीटर ट्वेंटी सेवन में फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है वेव लेंथ गिवन है सिंपल क्वेश्चन है ट्वेंटी सेवन में यूज करेंगे फार्मूला सी इज इक्वल टू एफ लेमडा तो एफ इज इक्वल टू सी बाय लेमडा सी स्पीड ऑफ लाइट है थ्री टेन इज टू पार एट और वेवलेंथ की वैल्यू है फाइव टेन इज टू पार माइनस सेवन अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करेंगे थ्री ओवर फाइव सेपरेटली सॉल्व कर दें थ्री ओवर फाइव क्या होगा पॉइंट सिक्स और जो माइनस सेवन है ये ऊपर जाकर क्या होएगा पॉजिटिव तो एट प्लस सेवन कितना हो जाएगा फिफ्टीन डेसिमल मूव होगा तो यह आएगा सिक्स स्टैंडर्स फोर्टीन हर्ट्स तो सिक्स टू ऊपर फोर्टीन हर्ट्स करेक्ट ऑप्शन क्या है डेल्टा ट्वेंटी एट इन मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर रिपीटर्स आर यूजली लेड डाउन आफ्टर एवरी ये सिलेबस में लास्ट टाइम अब हो गया था लेकिन वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो मॉडर्न ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनमें रिपीटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है तो रिपीटर बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं ये रिफ्रेश कर रहे होते हैं सिग्नल को और इनके दरमियान जो डिस्टेंस रखा जाता है वो हंड्रेड किलोमीटर रखा जाता है करेक्ट ऑप्शन इज बीटा ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन अ वेल कट डायमंड अपीयर्स ब्राइट बिकॉज ऑफ जो डायमंड है वो ब्राइट क्यों दिखाई देता है इसकी रीजन हमें होनी चाहिए कि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है डायमंड so, के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है जिसकी वजह से हमें वो चमकता हुआ नजर आता है ब्राइट नजर आता है। क्वेश्चन नंबर थर्टी द डेंजर द आई इज मोर सेंसिटिव टू येलो बिकॉज जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड क्यों होते हैं हालांकि हमारी जो आई है वो सेंसिटिव येलो के लिए होती है अब अल्फा कहता है स्केटरिंग इन येलो कलर इज़ लेस देन दैट ऑफ रेड याद रखें स्केटरिंग जिसकी वेवलेंथ कम उसकी ज़्यादा होती है तो रेड की तो कम होगी एज़ कंपेयर टू येलो तो अल्फा आंसर नहीं है बीटा कहता है रेड लाइट इज़ लॉन्गर इन वेवलेंथ देन येलो ये करेक्ट है क्योंकि डेंजर सिग्नल दूर से नज़र आना चाहिए तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो दूर से नजर आएगा सिग्नल जो होते हैं हमारे पास डेंजर के अलावा गाड़ी की बैक लाइट पे रेड यूज़ होते हैं रीज़न यही है कि अगर गाड़ी ब्रेक लगाती है तो दूर से तेज़ आने वाली गाड़ी को वो नजर आता है तो रीज़न इसका स्कैटरिंग नहीं होगा इसका रीज़न क्या होगा वेवलेंथ ताकि दूर से लाइट अपीयर हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन थर्टी वन हैच वन ऑन द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल फास्ट इन इन ऑप्टिकल फाइबर कौन सी लाइट इनमें से ऑप्टिकल फाइबर में ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी डेंसर में जाकर जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है इसका मतलब डेंसर में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी लाइट में जिसकी वेव भी ज़्यादा है तो अगर हम इन ऑप्शनस को देखें विजिबल इन्फ्रा रेड या ऑल ट्रेवल विद सेम स्पीड तो डेल्टा तो निकल गया बाकी तीन को कंपेयर करें तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इंफ्रा रेड की है इसी वजह से इन्फ्रा रेड को प्रेफर किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी 32 क्वेश्चन इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम द इंफॉमेशन इज़ यूजली ट्रांसमिटेड बाय इन्फ्रा रेड लाइट कितनी वेवलेंथ होती है ऊपर वाले क्वेश्चन से मैचिंग क्वेश्चन है कि जो इन्फ्रा रेड लाइट यूज़ करेंगे उसकी वेवलेंथ आंसर होता है 1.3 माइक्रोमीटर यहाँ जो सिंबल आपके पास इनकोरेक्ट है ये बेसिकली माइक्रो है और क्यों होता है ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं थर्टी थ्री इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इसे क्या बोलते हैं इसको बैंड वर्थ कहा जाता है कितने सिग्नल एक टाइम पे ट्रांसमिट हो सकते हैं और यहाँ रखिए ऑप्टिकल फाइबर की बैंड विड एज कंपेयर टू कॉपर ज़्यादा होती है थर्टी फोर क्वेश्चन फॉलोइंग ऑप्टिकल फाइबर इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन विदाउट डिस्पर्शन इफेक्ट कौन सी ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए आंसर है मल्टी मॉड ग्रेडिट इंडेक्स फाइबर इसमें डिस्पर्शन लॉसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू मल्टी मॉड स्टेप और लॉन्ग रेंज को हम वैन भी बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्किंग और शॉर्ट रेंज पे लैन लोकल एरिया नेटवर्किंग की टर्म यूज़ होती है थर्टी फाइव मल्टी मॉड स्टेप इंडक्स फाइबर इज़ सूटेबल फॉर अभी हमने कहा कि मल्टी मॉड जो स्टेप इंडक्स फाइबर है उसमें लॉसेस ज़्यादा हैं वो शॉर्ट रेंज में यूज़ होंगे और मल्टी मॉड ग्रेडेड में लॉसेस कम हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज़ होंगे थर्टी फाइव का आंसर बीटा थर्टी सिक्स इन ओल्ड सिस्टम रिपीटर्स आर प्लेस टिपिकली अ पार्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ ऊपर हमने बात की रिपीटर्स की कि आजकल 100 किलोमीटर पे क्योंकि लॉसेस कम है लेकिन ओल्ड एज में हमारे पास जो लॉसेस थे वो ज़्यादा थे तो उनमें जो डिस्टेंस था रिपीटर्स में कम रखा जाता है ताकि सिग्नल जल्दी रिफ्रेश हो लॉस ना हो तो आंसर क्या है चार लें यह मैंशन है बुक में थर्टी सेवन क्लैडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज ऑप्टिकल फाइबर में जो क्लैडिंग हमारे पास है उसे क्यों यूज़ किया जाता है इसका आंसर हमारे पास क्या होगा टू प्रोड्यूस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट मूव करनी चाहिए डेंसर टू रेयर तो कोर जो है वो डेंसर है और कोर के ऊपर क्लेडिंग की लेयर है तो जब लाइट कोर से क्लेडिंग में जाएगी तो डेंसर से रेयर जाएगी तो क्लेडिंग हेल्प करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट वापस रिफ्लेक्ट करके कोर में आएगी और कोर में लाइट ट्रांसमिट होगी थर्टी एट विद स्टेप इंडक्स फाइबर द ओवरऑल टाइम डिफरेंस मे बी अबाउट स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात वो कर रहा है कि हमारे पास इसमें जो टाइम डिफरेंस होगा ये भी बैक बुक में मेंशन है कि स्टेप इंडेक्स फाइबर में ओवरऑल टाइम डिफरेंस सिग्नल का कितना रह जाता है 39, 33 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर 39 क्वेश्चन इन ऑप्टिकल फाइबर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल फाइबर में स्पीड ऑफ लाइट का किस रिलेशन इन्वर्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो स्पीड का किस से लेशन इन्वर्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली डेंसिटी ऑफ मीडियम है फोर्टी वेन लाइट एंटर्स ग्लास इट्स अ चेंज इन लाइट जब ग्लास में एंटर होगी मीडियम चेंज होता है मीडियम चेंज होने से वेव wave की वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो इसका आंसर क्या होगा क्या चीज़ चेंज हो रही है स्पीड एंड वेवलेंथ चार्ली चार फोर्टी वन अ ग्रेटिंग हैज़ एन नंबर ऑफ लाइंस इट्स रिजॉल्विंग पावर इन एमथ ऑर्डर ऑफ डायफ्रेक्शन ये मैंशन है चैप्टर टेन में और मैंने लेक्चर में बताया भी था अगर ग्रेटिंग की नंबर ऑफ लाइन्स एन है तो एमथ ऑर्डर की रिजॉल्विंग पावर क्या होगी आर इज इक्वल टू एन इन एम जितनी नंबर ऑफ़ लाइन्स ज़्यादा होंगी उतनी

तो 42 का आंसर चार लें अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मटीरियल विल बी इनविजिबल इन वैक्यूम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज 43 क्वेश्चन in में कहता है कि हमारे पास एक कंप्लीटली जो ट्रांसपेरेंट मटीरियल है वो इनविजिबल होगा वैक्यूम में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी ऑब्वियसली रिफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वन हो जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वन होगी तो स्पीड ऑफ लाइट सेम इसका मतलब ये है कि हमारे पास लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करेगी तो वो जो मीडियम होगा एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बिहेव कर रहा होगा तो कंडीशन याद रखिएगा कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मीडियम इनविजिबल है वैक्यूम में कब जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वन मतलब लाइट का पाथ चेंज नहीं हो रहा 44 फोर क्वेश्चन अ लाइट ऑफ वेवलन फाइव हंड्रेड नैनोमीटर प्रोपगेट्स इन फ्री स्पेस द डिस्टेंस आइड बाई टू हंड्रेड वे फ्रंट इज लाइट की जो वेवलेंथ है 500 हंड्रेड है तो कहता कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेंगी 200 हंड्रेड वेव जो एक वेव हमारे पास है उसकी लेंथ 500 हंड्रेड है तो टोटल वेव कितनी है 200 हंड्रेड तो सिंपल हम कहेंगे कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल आएगा वो एन टाइम्स वेवलेंथ के इक्वल आएगा एक वेवलेंथ जो जितना स्पेस लेती है अगर उसको एन टोटल नंबर ऑफ़ वेव से मल्टीप्लाई करें टोटल स्पेस ऑकोपाई कितनी होगी फाइंड हो जाएगी इसको आप यूँ देख सकते हैं अगर मैं ये वेव को ड्रा करता हूँ तो बेसिकली एक वेव ने इतना डिस्टेंस को कोकोपाई किया तो अगर मेरे पास ये टोटल वन टू थ्री फोर फाइव हैं तो फाइव इतना ओकोपाई करेंगी और ये डिस्टेंस टोटल कितना होगा फाइव टाइम्स लेमटा तो कितनी हमारे पास वेव हैं टू एक वेव फ्रेंड फाइव हंड्रेड टेन टू पार माइनस उसकी वेव है आसान सा सोलूशन है टू इन ये हो जाएगा टेन कितने जीरोज हैं ये वन टू थ्री फोर तो साथ ये टेन एज टू पार फोर और टेन डिज टू पार माइनस नाइन फोर प्लस वन फाइव पावर को सॉल्व करेंगे तो टेन एज टू पार माइनस फोर मीटर आएगा अब ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास जो हैं उसमें अगर देखें तो माइक्रो वाली ऑप्शन बनती है क्योंकि मैं अगर इसको लिखना चाहता हूँ बल्कि माइक्रो टेन एस टू पार माइनस फोर माइक्रो नहीं बनेगा ये हंड्रेड माइक्रो बनेगा हंड्रेड माइक्रो क्योंकि हंड्रेड टेन एज टू पार माइनस सिक्स वो टेन एज टू पार माइनस फोर होगा ऑप्शन इज चार्ली फोर्टी फाइव क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर फोर्टी फाइव क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्रिटिकल एंगल जब लाइट पास करेगी ग्लास टू एयर किसके लिए मिनिमम होगा याद रखिएगा क्रिटिकल एंगल का ताल्लुक जो वेवलेंथ से है वो क्या होता है डायरेक्ट तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी कम होगी तो आंसर क्या है वॉयलेट क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इन यंग डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट ए फोर फ्रेंजेस आर ऑब्जर्व अबव सेंट्रल मैक्सिमा देन द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंजेस प्रेजेंट इन अ स्क्रीन देखिए यंग डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट में अगर वो कहता है कि चार फ्रेंजस ऑब्जर्व होती हैं सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर तो चार नीचे भी शो हो रही होंगी जिस एंगल पे लाइट बैंड होगी अपवर्ड और फर्स्ट फ्रिंज प्रोड्यूस करेगी फर्स्ट मैक्सिमा उसी एंगल पे लाइट बैंड होकर नीचे भी फर्स्ट मैक्सिमा प्रोड्यूस करेगी तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेंजस बतानी है तो फोर अबव सेंट्रल मैक्सिमा तो फोर बिलो सेंट्रल मैक्सिमा तो हमारे पास टोटल कितनी आ रही होंगी एट लेकिन हम यहाँ गलती क्या कर रहे हैं हम एट सेंट्रल के अलावा काउंट कर रहे हैं तो अगर सेंट्रल को भी काउंट करेंगे तो एट प्लस वन आंसर विल बी नाइन इस चीज़ को अगर आप डायग्राम से समझते हैं तो यूँ आपके पास है कि अगर ये एक स्क्रीन है और ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा जिसको जीरो मैक्सिमा कहते हैं तो उसने कहा चार मैक्सिमा इसके अबव हैं वन टू थ्री और फोर तो चार इसके बिलो भी हैं वन टू थ्री फोर अगर ये फर्स्ट है ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये सेकंड है ये थर्ड है ये थर्ड है, है और ये फोर्थ है ये फोर्थ है तो चार ऊपर चार नीचे आठ और ये एक सेंट्रल मैक्सिमा भी तो है तो टोटल तो तो कितने हैं और अगर डार्क की बात करेंगे मैक्सिमा की जगह तो डार्क एट होंगे क्योंकि हमारे पास वन टू थ्री फोर फोर डार्क अबव वन टू थ्री फोर फोर डार्क बिलो तो डार्क एट है लेकिन हमें मैक्सिमा की बात करेंगे तो वो हमारे पास कितनी आ रही होंगे वो नाइन आ रहे होंगे और यहाँ पर स्पेसिफाई वो नहीं कर रहा मैक्सिमा लेकिन स्टेटमेंट मैक्सिमा के बारे में तो मैक्सिमा को माइंड में रखते हुए ही हम बात कर रहे होंगे 47 सेवन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच मेक्स लाइट पॉसिबल टू ट्रांसमिट इन टू इन असेसिबल वो कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की जिस वजह से लाइट इनसेसिबल जहाँ नहीं पहुँच सकती वहाँ भी पहुँच जाती है और वो क्या है डायफ्रेक्शन और क्यों जब लाइट किसी ऑब्स्टेकल से बेंड होती है तो स्प्रेड होती है और इसी वजह से वो जोमेटिकल जो शेडोज़ हमारे पास होते हैं वहाँ तक लाइट स्प्रेड कर जाती है तो इनएसेसिबल जगहों पे लाइट का स्प्रेड होना ये डायफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से होता है 48 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ओनली व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है जब लाइट कहाँ से कहाँ जाए कंडीशन होती है डेंसर टू रेयर तो यहाँ कौन सी ऑप्शन है जो डेंसर टू रेयर दैट इज डेल्टा ग्लास टू वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वट विल बी द कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्राम द अर्थ इफ़ देर वॉज नो एटमोसफियर देखिए कलर ऑफ स्काई ब्लू होता है स्कैटरिंग की वजह से और स्कैटरिंग होती है एटमोसफियर से तो कहता है कि अगर एटमोसफियर ना हो तो फिर कलर ऑफ स्काई क्या होगा तो याद रखें अगर एटमोसफियर ना हो लाइट स्कैटर नहीं करेगी तो फिर हमें आसमान जो है वो डार्क ब्लैक नजर आता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा एल्फा लास्ट क्वेश्चन इन वैक्यूम लाइट एट अ स्पीड ऑफ मीटर पर इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमें पता है एट है तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ग्लास में कितनी होगी अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव है ऊपर जो हमने फार्मूला लिखा था उसी को हम यूज यहां पर कर रहे होंगे फिफ्टी क्वेश्चन में वो था एन इज इक्वल टू सी बाई वी तो v इज इक्वल टू सी बाय एन तो c है थ्री टेन रेज टू पार एट एन है वन पॉइंट फाइव तो थ्री ओवर वन पॉइंट फाइव ये हो जाएगा टू तो टू टेन रेज टू पार एट मीटर पर सेकेंड आंसर है और ये करेक्ट ऑप्शन क्या है बीटा अब इस टेस्ट में कई ऐसे क्वेश्चन थे जो ऑप्टिकल फाइबर्स से रिलेटेड थे मैंने उनको डिस्कस कर दिया इन केस अगर सिलेबस में अनाउंस होता है या किसी और टेस्ट में तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे Thanks <laughs>